काफी टाइम बाद कुछ अच्छा देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में बात करूंगा सनफ्लावर वेब सीरीज के बारे में, जिसे G5 पर रिलीज किया गया है और इसमें टोटल 8 एपिसोड हैं। पर ये जो 8 एपिसोड है वो सही ढंग से आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इसकी एंडिंग दिखाई गई है यार, वो सच में बीच में लटका दिया गया है हमको, ऐसे मतलब ऐसा फील करवाया है इन्होंने। खैर, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अब इस सीरीज की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। एक सनफ्लावर नाम की एक सोसाइटी है, जैसा इस सीरीज का नाम है सनफ्लावर, वो वैसे जो इस सोसाइटी उसी के नाम पर रखा गया। तो वहां पर एक मर्डर हो जाता है राज कपूर नाम के एक व्यक्ति का। पहला ही सीन होता है जिसके अंदर ये दिखा दिया जाता है कि किसका मर्डर हुआ, किसने किया, ये स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है, और क्यों किया है ये जो चीज है वो धीरे धीरे बाकी के एपिसोड में दिखाई जाती है। और ये वाला सीन देखकर आपका इंटरेस्ट इस सीरीज के अंदर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और अब यहां पर पुलिस आती है, पुलिस तहकीकात करना शुरू करती है कि भैया मर्डर किसने किया है, क्योंकि पुलिस को थोड़ा पता होता है। वहां पर ये जब तहकीकात करती है तो इनकी सुई सोनू सिंह नाम के एक व्यक्ति के ऊपर घूमती है, जो काफी ज्यादा इनोसेंट है, भोला भाला सा है। और ये वाला जो करेक्टर आप देखोगे यार, कसम से आपको इससे प्यार हो जाएगा। मतलब ये बस आप चाहोगे कि इसी को ही देखें। सोनू सिंह जो करेक्टर है वो प्ले किया है सुनील ग्रोवर सर ने, काफी उम्दा किस्म की जो इन्होंने कलाकारी की है। मैंने कहा ना, आप जैसे ही इसको देखोगे बस आप चाहोगे कि यार यही सामने रहे, जिस ढंग से उसका बात करना, जिस ढंग से उसका बिहेव करना, आपको इतना ज्यादा पसंद आएगा कि यार मतलब प्यार हो जाएगा इससे। और कहानी को जिस तरीके से लिखा गया है वो बहुत बढ़िया है। हर एक सीन, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हर एक सीन एक दूसरे से बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट किया गया है, जो इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटमेंट बनाती है और हमें देखने में मतलब मजा आता है। और रही सही कमी इसमें पूरी कर देती है, जो इसमें डायलॉग लिखे गए हैं, इसमें जो परफॉर्मेंस दी गई है, वो इस सीरीज को और ज्यादा जानदार बना देती है। इस सीरीज में एक सीन मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, जिसमें जो एक पुलिस ऑफिसर सब इंस्पेक्टर सोनू सिंह से अपना एक नंबर शेयर करता है और उसको कहता है धमकाते हुए और उस पर रोब जमाते हुए कहते हैं, देख तुझे एक ही रिंग में मेरा फोन चकना होगा। और इस बात को वो सोनू सिंह बड़े ही कैजुअल ढंग से लेता है, जैसे उसका जिगरी दोस्त उससे बात कर रहा हो। और जैसे वो रिंग करता है, सब इंस्पेक्टर उसको सोनू सिंह को स्टार्टिंग में कहते हैं कि तू मेरा नंबर सेव कर ले और जैसे मैं रिंग करूं तुझे उठाना होगा। तो उसको मिस कॉल देता है, मिस कॉल देने के बाद उसको फट नहीं, सोनू सिंह उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट तक भेज देता है। यार मतलब जो ये वाली चीज देख रहा हूं, उसको इतना कैजुअल ले रखा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इवन वो सब इंस्पेक्टर का यूज करता है पब में एंट्री करने के लिए। यहां पर सब इंस्पेक्टर तंग आ गए, यार किस इंसान को मैंने अपना नंबर दे दिया। और अब इस सीरीज के अंदर जो कमियां हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सनफ्लावर सोसाइटी में जो एक चेयरमैन है, उसके थोड़े बहुत जो साथी दिखाए गए हैं, वो बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि उस सोसाइटी में कौन रहने आएगा। जैसे कि वो मुसलमान को वहां पर उस सोसाइटी में नहीं रहने देते, वो किसी LGBT कम्युनिटी को उस सोसाइटी में नहीं रहने देंगे, वो किसी ऐसे को वहां पर नहीं रहने देंगे जिसकी एक से ज्यादा शादी हो गई हो, इवन वो किसी ऐसे इंसान को भी उस सोसाइटी में नहीं रहने देंगे जो कोई छोटा काम करता है उनकी नजरों में। जैसे कोई एक इसमें दिखाया गया, वो पान बनाता है, पान का काम होता है, तो उसको इस तरीके से चिढ़ते हुए दिखाए आए सोसाइटी वाले के भी ये ऐसा काम करता है, तो उसको भी वो वहां पर नहीं रहने देने चाहते वो। अब ये मुझे समझ नहीं आया इस चीज का क्या मतलब बनता है यहां पर। मतलब इससे ना तो कोई मैसेज जा रहा है, ना ही इसमें कोई हंसी आ रही है, ना ही इस सीन का कोई इंपॉर्टेंस है। तो इस सीन को क्या जरूरत थी इसमें डालने की, वो बेवजह लगता है यहां पर। और एक सीन इसमें यहां पर दिखाया गया सब इंस्पेक्टर और एक 17 साल के बच्चे के बीच की जो कन्वर्सेशन इसमें दिखाई गई, मेडिकल स्टोर में खड़े होते हैं, वहां पर जो 17 साल का जो बच्चा है ये टीनेजर के ऊपर इनको ज्ञान बांटता है कि टीनेजर को सब पता होता है सेक्स के बारे में। देखो पहले जो है इतने 2010 में इतने परसेंट किया करते थे, अब जो है 2021 में इतना परसेंट हो गया है। और इस बात को बड़े ही फंकर से दिखाया गया, बताया गया कि हाँ इतना करना गलत नहीं है, इसको पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, इसमें कौन सा तुमने महान तीर मार दिया, ये स्टैटिक्स बता के इतना परसेंट बढ़ गया है, पहले इतना परसेंट नहीं हुआ करता था। और इसमें जैसा दिखाया गया है कि भाई शादी से पहले करना है बहुत बढ़िया चीज है, शादी के बाद करना भैया इस चीज को तो गवार ही समझा जाता है। हु द हेल आर यू यार, जो तुम ये कह रहे हो कि शादी के पहले करने वाले मॉडर्न होते हैं, शादी के बाद करें तो भैया वो एक गवार होते हैं। तुम्हें किसने हक दिया ये सब, ये सर्टिफिकेट बांटने का कोई हक नहीं बनता यार। हर एक इंसान की अपनी सोच होती है, जिस तरीके से वो जीना चाहता है। तुम कौन होते हो इसको बताने वाले कि कौन कब क्या करे। और ये जो टीनेजर वाला जिसमें ज्ञान बांटा गया है ना, मुझे इसका कोई मतलब समझ नहीं आया। इससे ना तो तुम कोई नॉलेजेबल पर्सन बनते हो, बेवकूफी लगते हो यार। इससे बेटर जाके तुम अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस करो अपने करियर के ऊपर। इवन जिस उम्र में बच्चे को ये सिखाया जाए कि तुम्हें अपने करियर पर फोकस कैसे करना है इन सब चीजों से हटकर, उसमें वहां पर ये सब चीजें दिखाई जा रही है कि भैया ये सब चीजें करना बहुत आम है, पेरेंट्स इसको अलाउ करने लग गए हैं, इसका क्या मतलब बनता है। अगर ये चीज
चीजें ना होती, एक तो ये सनफ्लावर सोसाइटी वाला जो इसमें जो ये चेयरमैन बैठकर ये बातें कर रहे हैं किसको यहाँ पर रहने देना चाहिए, यहाँ पर फिर ये जो कन्वर्सेशन दिखाई जाती है सब इंस्पेक्टर और 17 साल के बच्चे में, एक टीनेजर में, तो अगर ये चीजें ना होती तो ये सीरीज काफी अच्छी हो सकती थी, जिसका सच में कोई भी महत्व नहीं है। ना तो हम इसमें कोई हंसी आती है, ना ही हम इसमें कोई गूजबम्प आते हैं, ना इसमें कोई इंपॉर्टेंस मिलती है, ना ही हम इससे कोई नॉलेज मिलती है। खैर इनके बारे में अगर और ज्यादा बात करने बैठा तो वीडियो और ज्यादा लेंथी होगी, इनको छोड़ते हैं, सीरीज के ऊपर आते हैं। देखो सीरीज की कहानी मैंने कहा बहुत बढ़िया है, जिस तरीके से इसमें करेक्टर को कनेक्ट किया गया है, कहानी को जैसे डेवलप किया गया वो काफी ज्यादा बढ़िया है। इसके हर एक करेक्टर को आप देखोगे तो लगेगा यार उसने बहुत अच्छे से अपना काम किया है और वो उसके ऊपर सूट बैठता है जैसा उसने निभाया है। इसमें परफॉर्मेंस काफी ज्यादा कमाल की है, स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया है, हर चीज जबरदस्त है, कॉमेडी टाइमिंग बहुत बढ़िया है, सारी चीजों का इसमें बहुत बखूबी से ध्यान रखा गया है। और जैसा मैंने कहा अगर ये दो चीजें ना होती सीरीज काफी अच्छी हो सकती थी, तो इनकी वजह से थोड़ा बहुत मुझे परेशानी हुई, मुझे लगा कि यार ये फालतू की चीजें इसमें डाल दी गई हैं, एंटरटेनमेंट के तौर पे बनाओ, उन्हें फालतू का ज्ञान क्यों बांट रहे हो। तो इस वजह से मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 7 out of 10। सर अगर आप लोगों ने ये सीरीज देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगी। गाली की बात करूं तो इसमें गालियां ज्यादा हैं, तो भैया बच्चों के लिए ये चीज नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।